कहते हैं ना कि प्यार में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं और प्यार की मिसाल लोग अक्सर ही पेश करते रहते हैं। प्यार कभी सूरत नहीं देखता, उसे तो बस सीरत पसंद आनी चाहिए। प्यार की ऐसी मिसाल के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिहार के सुपौल में, जहां पर एक रॉन्ग कॉल की वजह से झारखंड की लड़की को बिहार के दिव्यांग से प्यार हो गया। फिर काफी जद्दोजहद के बाद दोनों ने शादी कर ली। बता दे कि मुकेश दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, फिर भी इस लड़की ने उससे शादी कर ली। शायद इसे ही कहते हैं प्यार, जो इंसान की कमी को ना देख पाए उसके दिल को देखता है और फिर प्यार में कुछ ऐसा कर देते हैं जो लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। बताया जा रहा है कि रांची यानी झारखंड की रहने वाली गौरी ने एक दिन गलती से एक नंबर पर मिस कॉल किया। वो नंबर सुपौल के बसबिट्टी गांव के रहने वाले मुकेश का था। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लड़की के भाई और पिता इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, इसलिए लड़की सीधे सुपौल चली आती है। बाद में उसे थाने पर लाया जाता है तो वो बताती है तो उसे मुकेश से ही शादी करनी है। वो अपने परिवार वालों की बात नहीं मानती है और कहती है कि मैं मुकेश से प्यार करती हूँ और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर अपने प्यार को मुकाम तक पहुँचाया। बता दे बसबिट्टी गांव का रहने वाला मुकेश दोनों पैरों से दिव्यांग है। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, उसके पिता बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। आपकी क्या राय है इन जोड़ों के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।